स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल और आज आपके सामने तीन मुद्दे लेकर आए हैं मुद्दा नंबर एक क्या यूपी के लड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे और तेजस्वी से आखिर क्यों बौखलाई बीजेपी मुद्दा नंबर दो राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की डर्टी पिक्चर क्या हिमाचल का संकट टल गया है और मुद्दा नंबर तीन एक ऐसी बड़ी खबर मणिपुर में पुलिस ने हथियार डाले मोदी जी चुप गोदी मीडिया चुप मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे राजनीति से जी हां अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन का ऐलान किया और नतीजा देखिए सीबीआई ने 2012 से 16 के बीच जो माइनिंग घोटाला था उसको लेकर अखिलेश यादव को तलब किया है समानांतर तौर पर बिहार में जिस तरह की प्रतिक्रिया तेजस्वी को मिल रही है उससे बीजेपी इस कदर गई है कि गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के डीएनए पर एक वाहियात बयान दे दिया उनकी पैदाइश उनकी नस्ल पर बात कर दी क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे भाषा अभी एक बात साफ है कि जहां तक मामला तेजस्वी का है उनका कद और जिस तरह से उनके पक्ष में लोग आ रहे हैं और उनका जो माई बाप का कॉम्बिनेशन है वह जिस तरह से बड़े आधार को पा रहा है वो एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी की बौखलाहट बहुत साफ है यूपी के लड़के टक्कर नहीं दे रहे होते तो दोनों लड़कों पर इतनी निशाने बीजेपी नहीं साध रही होती अब इस क्या है इस पे आपका पंच मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि तेजस्वी इस बात को समझ गए हैं कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकता है इसीलिए वो जमीन पर उतर गए वो लगातार संवाद कर रहे हैं और इससे भाजपा की बौखलाहट ना सिर्फ हम देख रहे हैं बल्कि भाजपा और जो नीतीश का गठबंधन है उसमें सिर्फ उटवल चल रही है दूसरी तरफ यूपी के लड़कों से बौखलाहट सीबीआई का नोटिस जो है वो प्रमाणित कर रहा है मुकुल क्या है इस मुद्दे का पंच हाँ तो अभिशार मेरा भी यही कहना है कि टक्कर तो दे रहे हैं यूपी के लड़के वरना कोई वजह नहीं थी कि पांच साल बाद सीबीआई का अखिलेश यादव को बुलावा आता यही बात तेजस्वी यादव के लिए है वो भी एजेंसियों के रडार पर है ये मामला भाषा 2012 से 2016 के बीच था अखिलेश यादव को जो बुलाया गया है और हम लगातार कहते रहे हैं कि हो सकता है कि लोकसभा चुनावों से पहले किसी बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाए और आप जानते हैं जिन तीन या चार नेताओं पर निगाह है एक तो राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल और अब अखिलेश यादव भी यानी कि ये जो चार नेता हैं, वो सही मायनों में वैचारिक स्तर पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं और उनके सामने रोड़े अटकाना उनको इन केसेस में बांध देना ताकि वो चुनाव कैंपेनिंग तक ना कर पाए और देखिए क्योंकि तो अब जो पूरा का पूरा मोड है मोदी जी का इलेक्शन मोड में जिस तरह से वो गए हैं जिस तरह से जगह जगह जाके फटाफट रैलियां कर रहे हैं घोषणाएं कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में आ गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ वही रहने चाहिए उनको कोई भी व्यक्ति जो चैलेंज कर रहा है और अगर हम यहां पे बात हैं यूपी की क्योंकि यूपी तो उन्होंने नाक का सवाल बना लिया है कि यहां पर किसी को भी कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए पिछली बार उनको यहाँ पे लोकसभा में मैक्सिमम सीटें मिली थी उससे ज्यादा मिलने की गुंजाइश भी नहीं है उनके पास तो उसको मेंटेन करने के लिए उनके लिए जरूरी है कि अखिलेश और राहुल और ध्यान दीजिए कि दोनों जब साथ आए और जिस तरह से एक माहौल बना क्योंकि एक वैकल्पिक इमेज भी आई नहीं तो राम मंदिर मोदी जी मोदी जी का पूरा का भगवाधारी रूप द्वारका में डुबकी खाते हुए तो एक जो पिक्चर आ रही है नौजवानों की जी। हम यहाँ बात कर रहे हैं नौजवान जो चुनौती दे रहे हैं और नौजवान इस समय परेशान है उनके तीन नेता हैं तेजस्वी अखिलेश और राहुल गांधी बिल्कुल मुकुल यहां पर दो तीन चीजें यहां पर भाषा ने कही कि नौजवान की चुनौती और हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों जो नेता हैं राहुल तेजस्वी और अखिलेश मुद्दे उठा रहे हैं चाहे रोजगार का हो और आपने देखा कि रोजगार के नाम पर पेपर लीक के नाम पर इसे राहुल ने अखिलेश ने पुरजोर तरीके से उठाया लाठियां भाजी गई मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं कि क्या ये लोग वाकई अपना अपनी राजनीतिक दस्तक दे पाएंगे क्योंकि मैं साफ तौर पर अखिलेश किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं चुनावों को लेकर कांग्रेस किस तरह से अप्रोच कर रही है कहने को यह गठबंधन है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क देख रहा हूं अखिलेश नामों का ऐलान कर रहे हैं सीटों पर लोगों को खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस की बात करें तो अमेठी और रायबरेली जो दो सबसे अहम सीट्स हैं कांग्रेस की निगाह से उसके लिए भी अब तक आपने ऐलान नहीं किया तो मैं कि रणनीतिक है, ऐसे में क्या ये हो सकता है। ऐ, बीजेपी के भी आ जाए कैंडिडेट तो ये सब लास्ट टाइम तक होगा कैंडिडेट का और उसमें फिर झगड़े भी दिखेंगे आपको फिर जगह जगह इस्तीफे भी दिखेंगे अभी बहुत टूट फूट होनी है लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे नौजवानों की बात कही जैसे किसानों का मसला है लगातार ये सड़क पर है ये मुद्दे अब बाहर आ रहे हैं उठकर आ रहे हैं पेपर लीक जैसे सामने आया यूपी जैसे राज्य में तो जनता भी खुद चुनाव लड़ना चाहती है और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन केवल इसी वजह से नहीं हुआ था नहीं। कि नेता चाह रहे थे जनता के बीच भी एक बेचैनी है एक विपक्ष है जनता के बीच भी और उसकी वजह से नेता साथ आए और इतने समय तक अब साथ हैं जो गठबंधन भी हो रहा है तो नेता तो करेगा क्योंकि जनता भी ये चाह रही अब वही है कि आप कैंडिडेट अगर उस हिसाब से पीडीए जो आपका नारा है यूपी में उसे सही तरह से आप जमीन पर उतार पाए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर चुनौती दे रहे हैं टिकट का मामला तो आखिरी समय तक तय होगा और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इन दो मुद्दों के अलावा आप देखिए कि जो जातिगत जनगणना का सवाल है हम दो राज्यों की बात कर रहे हैं बिहार में नीचे तक पहुंचा हुआ है और यहां उत्तर प्रदेश में भी उसके इर्द गिर्द राजनीति करने की पूरी कोशिश हो रही है जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश भी अब बोलने लग गए हैं क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव से भाजपा की बौखलाहट दिखाई दे रही है आप देखिए गिरिराज सिंह ने इतना बड़ा बयान दे दिया उनके डीएनए पर आप किसी की पैदाइश पर सवाल कर रहे हैं किसी की नस्ल पर कि भाई उनके डीएनए में जो है लूट खसूट है इस तरह की शब्दावली आप सोचिए भाषा प्रधानमंत्री के बारे में मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री उसे अपनी जाति तक ले गए थे और यहां पर डीएनए पर सवाल कर पहले डीएनए पर, पर प्रधानमंत्री बिहार बिहार पर भी सवाल हाँ, कर हाँ, चुके हाँ, है। हाँ, चुके हैं हाँ, हैं के है हाँ, और उसका खमियाजा भुगत देखिए मुझे लगता है है कि यही एक मौका तेजस्वी का और तेजस्वी ने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया उन्होंने कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और वो लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं बहुत खास बात है तेजस्वी की और इसलिए मुझे एक बड़े नेता के तौर पर बिहार की धरती से लालू से भी ज्यादा रीच वाले नेता के तौर पे अभी आज की तारीख में स्पष्ट करें हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें क्यों आपको ऐसा लगता क्योंकि है क्योंकि देखिए एक लालू यादव जब आए थे तब उनके दिमाग में जो कॉम्बिनेशन था और वो बहुत ऐतिहासिक क्षण था सामाजिक न्याय का जहां पर जो सबसे ज्यादा पिछड़ा तबका था यादव और माई कॉम्बिनेशन मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन लेकर वो सामने आए थे इस बार जो इन्होंने किया है कि माई और बाप काशन और उन्होंने कहा कि भाई इसमें पिछड़ा भी है अगड़ा भी

दे रहा है और नीतीश के पास ना कोई अब करिश्मा है और ना उस तरह का कोई नेटवर्क है बिहार में बीजेपी के के पास भी in... मोदी के अलावा हाँ, एक in... नेता नहीं है है जो जो नीतीश जी की छवि अब दिखाई दे रही है ना वो शादी के अंदर जो नाराज फूफा होते हैं ना वो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देते हैं और भाजपा के कई नेताओं का बयान उसी तरीके से है मैं एक सवाल यहां पे पूछना चाहता हूं आपसे मुकुल आपको याद होगा चार साल पहले जब बिहार के चुनाव हुए थे कोरोना के आसपास ही हुए दे थे दे। वो चुनाव आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर के दौरान वो चुनाव हुए थे तो तेजस्वी की इस बात को लेकर आलोचना हुई थी कि आप चुनाव से सिर्फ दो महीने पहले उतरे मगर प्रतिक्रिया ही ना सिर्फ शानदार मिली बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी आरजेडी और जैसा कि तेजस्वी दावा करते हैं कि कम से कम दस सीटों में जहां वो जीत गए थे उनसे जनादेश छीन लिया गया स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दो महीने का वक्त के लिए। और जैसे मैंने कहा में भी क्या ये दस्तक दे पाएंगे और क्यों मैं आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार बिहार में तो भाजपा ने सुपड़ा ही साफ कर दिया था फोर्टी में से थर्टी सीट्स नहीं तो मैं वही पहले विधानसभा की बात कहूं दो महीने पहले ये जागे थे लेकिन इन्होंने मुद्दे पर रहे थे उस चुनाव में भी जो नौकरी का मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा बना था और उसी वजह से सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी बनी यही इस बार भी वो मुद्दे पर हैं जैसे भाषा ने भी कहा आपने भी वो किसी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं वो अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं वो कह रहे हैं नौकरी दी नौकरी देंगे तो ये जो वो लेकर नीतीश के खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोल है तो हमारे और हमारे चाचा नीतीश का जैसे आपने जिक्र किया तो नीतीश तो अब लोकसभा चुनाव में भी और आगे आने वाले विधान अब लड़ाई जो है बीजेपी या एनडीए कह बीजेपी खासतौर से आरजेटी इनके बीच बिहार में दिख रही है मुद्दे पर हैं mm. यही मुद्दे इसी वजह से बेचैन यूपी में भी कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी और अखिलेश मुद्दों पर हैं mm. बीजेपी अपने पर लाना रही है उन्हें बार बार mm. लेकिन वो उनकी पिच पर नहीं आ रहे जाति जनगणना mm. वो एमएसपी का मुद्दा वो रोजगार का मुद्दा वो पेपर लीक का मुद्दा ये सब मुद्दे लेकर आ रहे हैं mm. मुझे लगता है अगर मुद्दों पर रहेंगे आखिर तक तो भाषा मुकुल ने कहा कि भाई बिहार में अब मुकाबला साफ है एक तरफ आरजेडी लेड जो गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा जनता दल यूनाइटेड खत्म होती जा रही यूपी में भी क्या आपको लगता है कि अब जनता के सामने तस्वीर है और अब मुकाबला दो धड़ों के बीच में है एक तरफ अखिलेश और राहुल और फिर जातियां हों और समूह हो उन्हें पता है कहां घुसना है और दूसरी तरफ भाजपा तो है उनके पास दो बड़े ब्रांड हैं प्रधानमंत्री और योगी के तौर पे राम मंदिर से जो जुड़ा एक एक लहर है वो वहल, आप कह सकते हैं और दूसरी तरफ रालोद है उनके साथ साफ तौर पर अवसर वादे दिखाई देती है जी। बहन जी हैं जिनकी खामोशी और जिनके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कई सवाल खड़े करते हैं जो अक्सर समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं जो कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा तो मेरा सवाल यह है कि क्या अब जनता के सामने ये तस्वीर साफ है या मायावती फैक्टर जो है वो पेचीदगी पैदा करता है देखिए अभी जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश की वो बहुत साफ है कि लड़ाई अखिलेश राहुल के साथ बीजेपी की है और इसमें मुझे लगता है अब कोई भ्रम की स्थिति भी नहीं रह गई आप जिक्र रालोद का कर रहे हैं लेकिन रालोद वाला जो पूरा इलाका है अगर आप देखें वहां पर जिस तरह से किसान आ रहे हैं तो रालोद भी अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है और तकरीबन उसने अपने को पॉलिटिकली इन इफेक्टिव कर दिया है वहां पर बीजेपी का ही बोलबाला होने वाला है जयंत uh, चौधरी uh, क्या गोल खिलाएंगे ये किसी को पता नहीं है किस डील डील के के किस तहत गए ये भी क्लियर नहीं, नहीं। मैं एक चीज और आप जोड़ दू यहाँ लड़ाई पिक्चर बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी चुनाव के समय जो अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के साथ है जो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है वोटर वो सीट बाय सीट ये देखेगा कि कैंडिडेट कौन है और जो मजबूत उसे दिखाई देगा ऐसा नहीं कि मायावती या बीएसपी अभी माइनस आप कर देंगे कैंडिडेट पर भी बहुत निर्भर करेगा कि कहाँ किसका एक वर्चस्व है किस जाति जातीय समीकरण क्या है उनका कॉम्बिनेशन क्या है उस हिसाब से भी वोटर वोट करता है अच्छा अच्छा मुकुल, 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 एक मिनट एक, एक मिनट बस बसपा वाली बात पे मैं मुकुल आपको बताऊं कि पिछली बार देखिए जो चुनाव हुए हुँ. उसमें बसपा के जो वोट परसेंटेज गिरा वो सीधे-सीधे कनेक्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी से हुँ. तो ये दिखाई दिया पिछली बार और मायावती से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है इसको कि उनका जो आधार खिसका है और उस आधार को खिसकाने में जो भाजपा का काम हुआ मेरा यह साफ मानना है कि कैंडिडेट बाद में आता है पॉलिटिक्स पहले आती है और मुद्दे को पहले कैंडिडेट मोदी के मामले में, में मैं कह रहा मोदी जी के मामले में कैंडिडेट बाद में आता है लेकिन इन दलों के मामले में कैंडिडेट मोदी जी के मामले तो, में कैंडिडेट मायने नहीं रखता है बाद में आता मोदी जी के मायने में मुख्यमंत्री भी मायने नहीं रखते हैं मैं वही कह रहा हूं तो पीडीए अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो बात करते हैं अगर वो चुनाव के दौरान जैसे ये भी हुआ कि पहले ही लिस्ट में आपने अपने परिवार से तीन तीन चर्चा लोग कर दिए तो ये समझदारी भी भी राजनीतिक होनी चाहिए कि एक आम आदमी समझ रहा है स्थानीय परिल तो के ज़्याद से ज़्याद है, uh, आप आएंगे। नहीं हो रही पूरी सीटें आ जाए और पूरे कैंडिडेट विषय पे जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं देखिए 2019 में चुनाव उग्र राष्ट्रवाद पर था पुलवामा का असर था और उस पर सवार होकर घर में घुस के मारा बालाकोट ये क्या आपका पहला वोट पुलगामा के लिए मिल सकता है ये सब सीरियस चीजें थी इस बार भाजपा की क्या अपील है मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से भाजपा को सिक्सटी प्लस थर्टी सीट्स मिल गई थी इन दोनों राज्यों से जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं इस बार पिछली बार पुलवामा था क्या इस बार राम फैक्टर है या भाजपा को इस इससे लेकिन दे मैं एक आपको बात कहूं अगर इन दोनों राज्यों को अलग अलग करके देखना होगा अगर हम बात बिहार की कर रहे हैं अभी सार, तो बिहार में राम मंदिर का उस तरह का इम्पैक्ट जैसे उत्तर प्रदेश में है वो नहीं है ये बात हमें नोट करनी चाहिए क्योंकि यहां पर दूसरे ढंग के ध्रुवीकरण है जिस पर ये महागठबंधन काम कर रहा है ये आप ध्यान दीजिए कि पिछली बार से लेकर अभी तक और खास तौर से जो लेफ्ट मूवमेंट है और यहाँ भाकपा माला के जो 12 सीटें मिली जो विधायक आए थे उनका भी योगदान है किसान मूवमेंट में hmm. यह कॉम्बिनेशन इस समय रामलहर उस तरह से बिहार में नहीं चली पहले भी नहीं चली थी क्योंकि पहले भी यहीं पर रथ रोका गया था और hmm. उसके बाद उसी क्रम को तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं है। बिहार में यूपी में दिक्कत दूसरी है कि राम मंदिर के इर्द-गिर्द राजनीति है लेकिन मोदी जी को सिर्फ उसका भरोसा नहीं है इसीलिए आप देखिएगा कि लगातार वो द्वारका का मुद्दा ला रहे हैं अब कृष्ण आ रहे हैं हम सब देख रहे हैं कि वहां पूजा अर्चना भी शुरू हो गई तमाम विवादित जगहों पे इसलिए वो मल्टीपल एक्शन में उत्तर प्रदेश में है क्योंकि वो साम दाम दंड भेद करके इन दोनों राज्यों से मैक्सिमम सीटें आज की तारीख में भी लेना चाहते हैं यूपी में उनको दिक्कत इस बार पिछली तो, बार से ज्यादा तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपी के लड़कों यहां तक कि तेजस्वी भी की चुनौती जो है वो बहुत कठिन है आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसी चुनावी मशीनरी के साथ है जो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना जानती है एजेंसी का इस्तेमाल करती है और जैसे कि यह ताजा खबर है अखिलेश को जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है नोटिस भेजा गया है इससे पता चलता है कि भाजपा के जहन में क्या चल रहा है और अब हम, हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे की राज्यसभा के चुनाव होते हैं हिमाचल में पूरी उम्मीद की जा रही थी अभिषेक मनु सिंघवी जीत जाएंगे क्योंकि 40 बनाम 25 का मुकाबला था मगर फिर छह सात जो विधायक हैं छह विधायक जो हैं कांग्रेस के वो पलटी मार देते हैं उन्हें हरियाणा पुलिस ले जाती है और अभिषेक मनु भी हार जाते हैं उसके बाद हिमाचल सरकार के सामने एक संकट पेश आता है यही हम उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं और अब इस सबको ये क्रॉस वोटिंग को मास्टर स्ट्रोक मीडिया बताती है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल हाँ मेरा ये कहना है कि देखिए तोड़फोड़ खरीद फरोख्त ये तो बीजेपी अभी इसमें बदनाम हो गई है डटी पिक्चर जैसे आप कह रहे हैं लेकिन मेरे लिए सवाल ये भी है कि जो बिकने को तैयार है खरीदार से ज़्यादा जो बिकने के लिए तैयार है वो भी कम दोषी नहीं है यहाँ हिमाचल में ऐसा नहीं था कि उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की तलवारें लटकी थी और दुरुपयोग करके उन्हें डराया गया यहाँ पैसे का खेल हो सकता है पद का खेल हो सकता है तो अगर आप बिकने के लिए तैयार हैं कोई आइडियोलॉजी नहीं कुछ नहीं तो फिर हम केवल बीजेपी को दोष देकर निकल नहीं सकते भाषा क्या है इस मुद्दे का पंच देखिए मेरा मानना है कि हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश ये तो अभी 2024 का जो चुनाव है उसकी झांकी है इससे ये साफ होता है कि खरीदने के लिए बीजेपी के पास अकूत संपत्ति है संसाधन है और कांग्रेस के अंदर जिस तरह से लोग बिकने को तैयार हैं वो एक सबसे बड़ा चैलेंज विपक्ष के लिए है क्योंकि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरह से डील हुई यानी अभी जो खरीद फरोख्त है ये खुला खेल फरूखाबादी हो गया है बीजेपी इसकी मास्टर हो गई है अब क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच है कि खरीद फरो क्रॉस वोटिंग ये तमाम चीजें मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकती हैं जिस तरह की राजनीति का प्रचार प्रसार इस देश में किया जा रहा है भाजपा द्वारा जिस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है जब कांग्रेस एक जमाने में बहुत ताकतवर हुआ करती थी तब भी इसे कोई बहुत ही सकारात्मक ढंग से नहीं देखा जाता था आज मीडिया जो है तालियां पीटती है इस मुद्दे पर इसे मास्टर स्ट्रोक बताती है तो यह मास्टर स्ट्रोक किसी कीमत पर नहीं हो सकता भाषा हम देख रहे हैं भाजपा को कमजोर नब्स पता है अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं उत्तर प्रदेश में सपा के जिन सात विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उनमें से एक मनोज पांडे हैं वो मामलों में फंसे हुए हैं उनकी जांच हो रही थी तो कमजोर नब्ज भाजपा के हाथ में अगर आपको भाजपा से मुकाबला करना है तो आपका दामन पाक साफ होना पड़ेगा आपके अगर अलमारी में कंकाल का एक छोटा भी हुआ एक अवशेष तो आपको नाप दिया जाएगा लेकिन देखिए मुझे सिर्फ मामला ये नहीं लगता कि आपके अलमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फर्जी मामले भी क्रिएट कर रही है जो अभी आ, अखिलेश वाला मामला जिस तरह से आया कि पांच साल पुराना दस साल पुराना सवाल बहुत साफ है अभिसार कि अगर आपके अंदर पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है भाजपा से लड़ने का आप विचारधारा में मजबूत नहीं है तो अब आप बिकने के लिए बिना किसी गलती के भी तैयार हो जाते हैं जो हिमाचल में दिखाई दे रहा था क्योंकि वहां फिर पैसा है

कांग्रेस एक्सपोज थी आपके राज्य में एक संकट चल रहा था मुख्यमंत्री सुखू को लेकर और उनकी मौजूदगी प्रतिभा सिंह को क्या दिक्कत थी उनके बेटे को क्या दिक्कत थी ये तमाम चीजें थी प्रतिभा सिंह के बेटे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आरएसएस की किस तरह से तारीफ कर रहे थे ये तमाम चीजें थी जी, ना जी। ये सिर्फ लालच नहीं है यह बताता है कि आला कमान जो है हाँ आला कमान जो है किस तरह से काम करता है कांग्रेस का उन्हें परवाह ही नहीं है नहीं, नहीं अभिशार में यहाँ टोकूंगा यहाँ यहाँ कहूंगा आ, आला कमान आ, बीजेपी में भी ऐसी काम करता है वहां भी सुनवाई है, नहीं है लेकिन बीजेपी का जो अनुशासन है जो आरएसएस का अनुशासन है उनके बीच वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ हर आदमी कांग्रेस में अपनी ढपली अपना राग बजा ब, कर रहा है छह बार जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे वो रोकर दिखा रहे हैं कि उनके लिए एक मूर्ति के लिए स्थापित ये सब कहने की बातें हैं आप यहीं देखें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री उन्हीं की वजह से जीत जीत भी हुई लाडली जो योजना थी उन्हें अलग साइड लाइन कर दिया लेकिन उन्होंने चू तक नहीं की और और नहीं आपने मैं ये एक अनुशासन का मसला भी है आपने शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया तो मैं बता दूं इसी मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ जो कांग्रेस के स्तंभ थे बिल्कुल वो कूदने को तैयार हो गए थे बिल्कुल। एक तो भाई उनके साथ ये हालत हो गई ना खुदाई मिला ना विशाले सनम तो उन्हें वही रहना पड़ा नहीं तो बेटे कहने वाले के ये भी कह रहे हैं कि वो शायद किसी रणनीति के तहत ही वही है किसी भी दिन टाइम जी मेरा कहना है एक तो अनुशासन का मसला है सत्ता का दुरुपयोग तो कर ही रही है बीजेपी जिस तरह से कर रही है और मैं कह रहा हूं कि कमिटमेंट नहीं है आपको जनता ने जैसे यूपी की मैं बात कहूं यूपी ने जानबूझ के कि योगी बीजेपी जीत रही है या आपको विपक्ष का उम्मीदवार उपचुनाव में भी जिताया ये जानते हुए कि विपक्ष में रहेंगे आप हाँ। आप तब भी अंतरात्मा की बात करते हैं लेकिन जनता की अंतरात्मा नहीं पूछते इसलिए चुनाव सुधार होना और इन सब बातों पर गौर होना बहुत जरूरी है कि हम अपने कैंडिडेट को वापस बुला सकें हम लोगों ने सपा को वोट दिया और वो कह रहे हैं अंतरात्मा हमारी बीजेपी में चली गई क्योंकि थी ये इस विचारधारा का भी मसला बहुत तगड़ा है पैसे के साथ साथ ठीक है आपके पास तमाम एजेंसीज हैं लेकिन इसी भारतीय राजनीति में लालू यादव भी हैं बाकी भी। और लोग भी हैं यहाँ तक कि कर्नाटक की सरकार भी है जहां तमाम चीजें डीके शिवकुमार ने झेली जेल गए सब कुछ किया तो सवाल यह है कि आपका कमिटमेंट क्या है मैं तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक गए हैं उन महोदय से पूछना चाहती थी कि आपकी जो अंतरात्मा जगी आप जो मोदी जी और योगी जी का गुणगान करने लगे ये चुनाव लड़ते क्यों नहीं ये कर इस आ, मुझे अखिलेश की बात बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से सफाई हो रही और पता भी चल रहा कि कौन कहां हुआ है तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये विचारधारा का भी सवाल है कि अगर आपको लगता है कि आप विपक्ष में है जनता ने चुना है तो आप कैसे एक्ट करें लेकिन नैतिकता तो गायब हो गई है ना नहीं देखिए और देखिए राज्यसभा चुनावों का जो एक फॉलआउट था वो हमने हिमाचल में देखा हिमाचल में किसी तरह से बच गए तो चलिए अब मान के चलें कि अगले तीन महीने शायद सरकार को कोई खतरा नहीं है मैं कुछ और पूछना चाहता हूं क्या आपको लगता है ये कही न कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व का अहंकार दिखाता है यानी कि आप मुद्दों को संबोधित नहीं कर रहे हैं पूरी पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में लगी हुई है अरे कुछ और भी समस्याएं इस वक्त पार्टी में ये तो नाकामी है नाकाम किया जा रहा है तो ये अहंकार दिखा भी दिखाई देता है वो जो पार्टी के कई नेताओं में दिखता है और है। सबसे बड़ी बात आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपको प्रमोद कृष्णन को निकालने में इतना टाइम लगा इतना टाइम लगा सारे लोग जानते हैं कि वो आदमी क्या कर रहा है और ऑपरेशन क्योंकि जहाँ विपक्ष में है वहाँ तो आप रो सकते हैं लेकिन जहाँ आप सत्ता में है वहां भी आपके विधायक अगर टूट रहे हैं तो ये बड़ी नाकाम सबसे शॉकिंग बात सबसे शॉकिंग बात सुखू साहब कहते हैं कि हमारे छह विधायकों को हरियाणा पुलिस किडनैप करके ले गई अरे भाई आपका राज्य है जी। आपकी अपनी पुलिस है है आपका अपना इंटेलिजेंस ये क्या, क्या लोग हैं हैं सोचते है? अच्छा मैं अहंकार की बात कर रहा था मैं थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूं यहां पर आ, 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 मैंने देखा जयराम रमेश को एक पत्रकार सवाल पूछ रही है सोनिया गांधी को लेकर और मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल था कि भाई राजस्थान से क्यों लड़ी वो हिमाचल से क्यों नहीं लड़ी और वो दिखा ना जीता जिताया कैंडिडेट आपका जीत गया जवाब में जयराम रमेश कहते हैं अमित मालवीय जैसा सवाल है अरे अपने अहंकार को त्यागी आप सत्ता में नहीं है ये किस युग में जीने वाले नेता है इसमें दिक्कत ये है कि आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाते हैं सवाल ये है कि आप अगर कहते हैं कि मीडिया की आजादी है तो अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है या पूछ रही है तो आप पहले उसका जवाब दीजिए और बताइए और आप नहीं जवाब देना चाहते हैं तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजादी रहती है कि आप बोलते कि भाई मैं इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता लेकिन इस तरह से आप सबको ब्रांड कर देंगे तो आप ये माहौल दिखा रहे हैं कि हमारी जब सत्ता आएगी तो हम क्या करेंगे और दूसरी बात मुझे लगता है अभिसार जो आप कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस में 2024 में यह फैसला ले पाना कि कौन सा नेता उसके खिलाफ काम कर रहा है और सही समय उस पर फैसला कर पाना जो इन्होंने राजस्थान में नहीं किया और नहीं। जिसकी कीमत इन्होंने मध्य प्रदेश में चुकाई असम में पहले चुका चुके हैं ये भयानक है और भीषण है और कर्नाटक में अगर इन्होंने सही ढंग से नहीं किया होता तो कर्नाटक की सरकार नहीं बनी होती मैं तो चुनाव प्रचार में थी वहां पर अगर डीके और सिद्धारमैया की जोड़ी ना होती तो कांग्रेस को वहां कोई नहीं जिता सकता था इन दोनों की जोड़ी ने जिताया ना लेकिन आप देखिए राजस्थान आपने महत्वाकांक्षा के आगे स्वाही कर दिया सारे लोग बोल रहे हैं सब लोग महसूस कर रहे हैं हम तो मध्य प्रदेश में मैं आई कमलनाथ क्या कर रहे हैं वहां सबको तो पता था ना क्या खबरें आ रही थी पत्रकारों को ब्रीफ था कि अडानी जी ने बुलाया है और वो चार्ट प्लेन से अडानी जी से मिलने गए हैं चुनाव प्रचार छोड़कर ये सब चीजें क्या कांग्रेस आला कमान को पता नहीं था तो मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल फैसला लेने में अगर राहुल गांधी और उनकी टीम आज भी इतनी देर लगा रही है तो बहुत नुकसानदेह है अब हम रुक करेंगे अपने तीसरे मुद्दे का कायदे से इस मुद्दे से मैं शुरुआत करना चाहता था कार्यक्रम की और मुद्दा क्या है मणिपुर में हमने ऐतिहासिक तस्वीर देखी कई पुलिसकर्मी मणिपुर के कमांडोज जो हैं वो अपने हथियार रख रहे थे क्यों क्योंकि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और उनके एस्कॉट को शरमपंथी जो हैं वो अगवा कर लेते हैं किडनैप कर लेते हैं प्रधानमंत्री खामोश मीडिया इस पर डिबेट भी नहीं कर रहा है क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल हाँ तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक मैं इतने दस महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है पर किसी टेलीविजन पर मैंने ये हेडलाइन देखी मणिपुर में जंगल राज दस महीने से हिंसा है पुलिस के जवान पुलिस के अधिकारी अपहरण होता है पुलिस के जवान हथियार रखते हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं होती हरियाणा में सरेआम नेता की हत्या होती है यूपी में पेपर लीक होता है लेकिन मीडिया पर आज भी अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जंगल राज है केरल में राज्यपाल सक्रिय हैं सब जगह जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो जंगल राज है लेकिन मणिपुर में जंगलराज नहीं भाषा क्या है इस मुद्दे का पंच मैं इस मामले में साफ तौर पर देखती हूं कि बीजेपी के लिए मणिपुर डजेंट मैटर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस पर उसी तरह से मोदी जी ने डुबकी लगा रखी है जैसे द्वारका में वो डुबकी लगा रहे थे स्कूबा डाइविंग करते हुए वहां उनको डूबी हुई द्वारका दिख गई लेकिन जलता सुलगता मणिपुर नहीं दिखाई दिया जो तीन मई से जल रहा है और वो जा रहे हैं पश्चिम बंगाल लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जहां उन्हीं की डबल इंजन की सरकार है और उन्हीं का मुख्यमंत्री है जिससे वो सवाल जवाब कर सके यह है मोदी राज का जंगल राज अभिस क्या है इस पे आपका पंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक क्रिकेटर का ऑपरेशन हो रहा होता है उस पर टिप्पणी कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर कश्मीर जाते हैं और वो भाजपा के प्रोपिगेंडा को आगे चलाते हैं उस पर टिप्पणी कर सकते हैं ये तमाम चीजें कर सकते हैं मगर मणिपुर में इतनी बड़ी खबर हो जाती है ये मत भूलिए कि लोकसभा में भी जब उन्होंने कहा था वो तब कहा था जब विपक्ष ने वॉकआउट किया था यानी कि मणिपुर में एक नाकामी दिखाई दे रही है एक डबल इंजन की सरकार की प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है बाकी देखा जाए मुकुल तो ये कितनी शॉकिंग तस्वीर थी मुझे नहीं लगता इन रीसेंट मेमोरी या आप अगर मुझे याद दिला पाए इस तरह से एक राज्य की पुलिस अपने हथियार रख रही है क्यों क्योंकि उनका एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको अगवा चरमपंथी कर रहे हैं यानी कि वो बतला रहे हैं कि भैया हमारे हाथ पीछे बांध के आप हमसे कार्रवाई करेंगे तो क्या होगा तो मैं यही कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने एक खतरनाक खेल खेला है मणिपुर को लेकर और ये वाकई में देश के लिए बड़ी एक नुकसानदायक चीज होगी मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि वहां जब महिलाओं को नग्न परेड कराई जाती है आप उस पर नहीं बोलते और संदेश खाली में आप लोग हाय तोबा मचा देते हैं तो ये दोहरा मापदंड क्यों तो ये सवाल बड़ा वाजिब है ये बच्चे लड़कियां पूछ रही हैं सवाल मैंने सुन रहा था तो लगातार बीजेपी पर बीजेपी जैसे रहे हैं कि बहुत उनके लिए मैटर नहीं करता क्योंकि चुनाव 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 आपने एक बहुत अहम बात यहां पर मुकुल कही थी जंगल राज वाली बात आप देखिए संदेश खाली में एक शाहजहां शेख पर महिलाओं के अपमान का गंभीर आरोप लगता है मगर कम से कम टीएमसी की सरकार वहां अपने नेताओं को गिरफ्तार करती है शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है एज वी स्पीक कार्रवाई हो रही है यहां पर बीरेन्द्र सिंह खुद कहते हैं कि भैया इससे भी खतरनाक इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे और इंसिडेंट्स हुए हैं कोई सवाल नहीं कोई मुद्दा नहीं और बीरेन्द्र सिंह से जवाबदेही तक नहीं होती है भाषा और सोचिए ना कि यहां पर जो महिलाएं हैं वो भी भारतीय महिलाएं हैं Hmm. ये जो महिलाओं की हम बात कर रहे हैं ये मणिपुर की महिलाएं भारतीय महिलाएं हैं और जिस पुलिस अधिकारी को ले गए वो भी भारतीय नागरिक है hmm. आप अपनी पुलिस फोर्स के बारे में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में इतने ज्यादा मशगूल हैं अगर यही घटना कहीं विपक्ष में हो जाती कर्नाटक के राज्य में हो जाती पंजाब में हो जाती तो आप देखते क्या हंगामा मच रहा था hmm. लेकिन मणिपुर इसलिए बहुत खास है क्योंकि मणिपुर में इन्होंने जो विभाजनकारी नीतियां की hmm. मैत और कुकी को लड़ाया क्योंकि आज देखिए जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बता रही है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है इस कॉन्फ्लिक्ट पर जिस तरह से बीजेपी खेल रही है वो पूरे उत्तर पूर्व को जलाने और झुलसाने की तैयारी हो गई है और उसमें जो चुप्पी है मुझे लगता है चुप्पी दरअसल यहां पर यह है कि आप करते रहिए हम आपके साथ हैं जब आप अपराध को एक साइलेंट अप्रूवल देते हैं तो इसका मतलब आप अपराधी के साथ खड़े हुए हैं तीन मई हमें भूलना नहीं चाहिए तीन मई से लेकर आज हम बात कर रहे हैं फरवरी का आखिरी दिन है और आप सोचिए कि इस बीच एक एक्शन एक वीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ नहीं हुआ गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग लगातार यही बताए जा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और वो भी तब जब पहली विधानसभा सत्र वहां चल रहा है बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल मीडिया इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करता क्योंकि देखिए अगर मीडिया इस पर घरे में रखने लगेगा बीजेपी को तो सीधे भाजपा की जो कोर फिलॉसफी है हर जगह जो कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी हम राज्य में भी हम उस मोर्चे पर फेल होती है और आप दिखाइए मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं मीडिया किस तरह के डिबेट्स कर रहा था कल जबकि इससे बड़ी कोई खबर नहीं थी ये देखिए यहां पर कांग्रेस की जीत में पाकिस्तान जिंदाबाद कर्नाटक में देशद्रोही नारों का सच क्या है 370 तो कंफर्म्ड है जी न्यूज कह रहा है यानी कि इन्होंने पहली सीटें दे दी हैं हारे तो बवाल जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद मोदी की वो गारंटी जिससे मुसलमान वोटों की गारंटी लेने को घबरा गए यानी कि भ्रमित करने वाली खबर भाजपा को मुकुल वोट दिलवाने वाली खबरें पूरा एजेंडा क्या है साफ तौर पर और पाकिस्तान वाली समझ रही है जैसे जितना ये एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जनता समझ रही है जनता देखिये तीस परसेंट बत्तीस परसेंट छत्तीस परसेंट वोट था बीजेपी का ये नहीं की पूरा भारत ही उनका वोटर है ऐसे पूरे भारत में ऐसा नहीं कि सभी जगह उनकी सरकारें हैं जनता जो आम तौर पर समझती है कई बार वो अपने कमिटमेंट में या किसी भावना में बहकर या जैसे पिछला चुनाव था वो असाधारण चुनाव था लेकिन अगर समझदारी से चुनाव होगा, शांति से चुनाव होगा, तो जरूर ए, इसके विरुद्ध वोट जाएगा तो मीडिया इसलिए बात नहीं करना चाहता उस पर कि वही कि वो कटघरे में खड़ा होगा बीजेपी और वो बीजेपी का ही चैनल है लेकिन अवधारणा बनाने की भी साजिश है है अभी सर मुझे लगता आपकी बात से मैं सहमत हूं कि मणिपुर सरीखी घटनाओं पर चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे उनको लगता है कि मोदी जी का जो लाजर एंड लाइफ फिगर उन्होंने कद बना दिया है उस पर सवाल उठेगा और तमाम परेशान वाले सवालों को वो सामने नहीं लाना क्योंकि ऐसा है ना कि देखिए अगर आप द्वारका जाते हैं स्कूबा डाइविंग करते हैं तो वहां तो आपके लिए लाल कालीन बिछाई जा सकती है मगर इस वक्त मणिपुर की जमीन पर जो लाली मां है जो लाल कालीन है है वो हम सबको शर्मसार कर रही है। अब यहां पर मोदी जी के बैठने के लिए कोई लाल कालीन नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर मोदी जी जाना भी नहीं चाहते चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा इंडिया की बात में बस इतना ही अब शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार